हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, टू साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव बीन अवार्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। सो इसका करेक्ट आंसर अमेरिका है। अमेरिका के दो साइंसदानों को जो है वो नोबेल प्राइज, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज समझा जाता है, ये हर साल दिया जाता है। अक्टूबर में इनकी नॉमिनेशन होती है और इनको जो नोबेल प्राइज हैंड ओवर किया जाता है वो 10 दिसंबर को हैंड ओवर किया जाता है। सो इस मरतबा 2024 का जो नोबेल प्राइज फिजिक मेडिसिन में जो मिला है, ये दो लोगों को मिला है। इनके आप पिक्चर भी देख सकते हैं, एक का नाम विक्टर एम्ब्रोस है, दूसरे का नाम गेरी रोकुन है। ये दो अमेरिका के जो है साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, और इन्होंने डिस्कवरी किया माइक्रो आरएनए का, जिसने जो है वो सेल्स कैसे डेवलप होते हैं और फंक्शन कैसे करते हैं, ये जो है डिटरमिन करने के लिए हेल्प दिया था। माइक्रो आरएनए इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया था, इसलिए 2024 का इन्हें नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। और ये माइक्रो आरएनए जो है ये अहम रोल अदा करता है जेन एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए। सो ये दोनों अमेरिकन जो है वो साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में जो नोबेल प्राइज दिया गया था मेडिसिन में, ये भी दो लोगों को दिया गया था, एक खातून थी और एक जो है ये साहब थे ड्रू विस्मेन, और खातून का नाम केटालिना करिको था, और केटालिना करिको जो है ये हंगरी से ताल्लुक रखती हैं और ड्रू विस्मेन जो है ये यूएसए से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने जो है वो कोविड वैक्सीन जो है वो किया था, डेवलप किया था 2020 के शुरुआत में, इसीलिए 2023 में इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो मेडिसिन की कैटेगरी में दिया गया था। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन द फाइनल ऑफ डब्ल्यूटीए चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024। डब्ल्यूटीए चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का टाइटल कोका गोफ ने विन किया है। ये यूएसए से अमेरिका से ताल्लुक रखती हैं। इसके साथ साथ इनमें रनर अप जो है वो कैरोलिना मचुआ रही हैं, जो कि चेक रिपब्लिक से ताल्लुक रखती हैं। इसके साथ साथ डब्ल्यूटीए की बात करें तो डब्ल्यूटीए फुल फॉर्म इसका जो है वो है द विमेन्स टेनिस एसोसिएशन, और ये जो है खवातीन की टेनिस टूर्नामेंट होती है। इसके साथ साथ अमेरिका की हिस्ट्री में कोकोआ गोफ जो है ये सेकंड खातून बन गई हैं, सेकंड जो है वो प्लेयर एथलीट बन गई हैं जिन्होंने चाइना ओपन जो है वो विन किया। पहली खातून सेरिना विलियम्स थी जिन्होंने 2004 में 2013 में विन किया था चाइना ओपन, लेकिन ये सेकंड जो है खातून है जिन्होंने ये जो है टाइटल विन किया है। कोकोआ गोफ इनका नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इम्पोज सैंक्शंस ऑन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुतरेस ओवर द ईरान कॉन्फ्लिक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो इसराइल है। इसराइल ने अक्टूबर 2024 में यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल से ताल्लुक रखते हैं, इन पर जो है सैंक्शंस लगा दिए, और इन्होंने कहा कि अब आप हमारी कंट्री में नहीं आ सकते, यानी कि इसराइल में नहीं आ सकते, क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान ने जो अटैक किया था इसराइल पर, इसकी कंटेमिनेशन जो है वो अंतोनियो गुतरेस ने नहीं किया था, यानी कि जो मजम्मत किया जाता है वो नहीं किया था, इसीलिए इसराइल ने यूएन के सेक्रेटरी जनरल पर पाबंदी आयद कर दी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोज हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। करंट जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं ये जो बाइडन हैं, ये 20 जनवरी 2021 को बने हैं, 46वें प्रेसिडेंट हैं, और इसके साथ साथ नवंबर 2024 में जो है यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसके लिए जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, दूसरी तरफ से जो है खातून है कैमला हारिस। और इस मरतबा जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा होगा, इसमें जो है वो जो बाइडन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वर्ल्ड स्पेस वीक ये 4 से लेकर 10 अक्टूबर के दरमियान जो है वो मनाया जाता है। 2024 का थीम है स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज, ये 2024 का इसका थीम है। वर्ल्ड कॉटन डे कपास का आलमी दिन 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 का थीम है कॉटन फॉर फूड। करंट जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, ये शी जिनपिंग हैं, 2013 में ये बने हैं, और शी जिनपिंग इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री फ्रॉम एशिया पैसिफिक ग्रुप इलेक्टेड एज वाइस चेयर ऑफ द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर द टर्म 2023-2025। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को जो है वो यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 2023-2025 के लिए वाइस चेयर जो है वो इलेक्ट किया है। पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो पाकिस्तान में फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वफाकी वजीर इत्तला तो नशरिया दी अताउला तारण है। पीटीआई
पीएमएलएन से ताल्लुक रखते हैं, मार्च 2024 में बने हैं। आसिफ अली जरदारी अवार्डेड मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम विद विच अवार्ड इन अक्टूबर 2024। इसका करेक्ट आंसर निशाने पाकिस्तान है। ईरान लॉन्च्ड विच ऑपरेशन अगेंस्ट इसराइल इन अक्टूबर 2024। इसराइल के खिलाफ ईरान ने अक्टूबर 2024 में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ट्रू जो है वो लॉन्च किया है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ट्रू। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान को ट्रेकोमा फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। पाकिस्तान 19वां कंट्री बन गया है जिसमें अब ट्रेकोमा की डिजीज नहीं है। ट्रेकोमा आंख की एक बीमारी है जिसमें प्यूटी के अंदर दाने निकलते हैं, आंख के रिलेटेड ये एक बीमारी है। पाकिस्तान में इस डिजीज को अभी खत्म कर दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल जो नेटो के नए बने हैं इनका नाम मार्क रूट है। ये जो है नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर भी सर्व कर चुके हैं और इन्होंने जेम्स स्टॉल्टनबर्ग को रिप्लेस किया है और ये अक्टूबर 2024 में सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो बने हैं। नेटो की बात करें तो नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो को 4 अप्रैल 1949 को एस्टेब्लिश किया गया था। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस इसको समझा जाता है। नेटो का हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है। 32 इसकी मेंबरशिप है, 30 इसमें यूरोपियन है, 2 इसमें नॉर्थ अमेरिकन है। लेटेस्ट मेंबर इसका 2024 में स्वीडन बना है और फिनलैंड 2023 में इसका 31वां मेंबर बना था, स्वीडन 32वां मेंबर बना है। लैंग्वेजेस की बात करें तो नेटो की 2 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। पाकिस्तान, चाइना, इंडिया इसके मेंबर नहीं है और तुर्की इसका मेंबर है। विच कंट्री लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल एट इसराइल रिसेंटली? ये ईरान ने लॉन्च किया था और करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, इनका नाम शिगेरू इशिबा है और ये अक्टूबर 2024 में बने हैं। इन्होंने रन ऑफ इलेक्शन जीत लिया है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। इन्होंने फुमिया किशिदो को रिप्लेस किया है। फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट हिजाब वेयरिंग वुमेन क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये अब्दाहा मकसूद बन गई है। ये स्कॉटलैंड के लिए खेलती हैं और ये वर्ल्ड की पहली हिजाब वेयरिंग वुमेन क्रिकेटर बन गई है। करंट जो प्रेसिडेंट हैं मेक्सिको की, इनका नाम क्लाडिया शेबनेम है और ये 66वें नंबर की हैं और ये अक्टूबर 2024 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और ये मेक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। और इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस ये जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफी डे जो है ये भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, पहली मरतबा 2015 में सेलिब्रेट किया गया था। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो जी हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03082533300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें।